अबरक खदानें एक जमाने में कोडरमा और गिरिडीह जिले की शान हुआ करती थी। इससे लाखों लोगों की जीविका चलती थी। 1890 के आसपास अबरक खनन प्रारंभ हुआ और करीब 300 खदानें थी। अब एक भी नहीं बची। पर्यावरण बचाने के नाम पर सब बंद कर दी गई। लाखों के सामने जीविकोपार्जन की समस्या मुंह बाए खड़ी है। अब अबरक उद्योग को किसी भगीरथ का इंतजार है कि जब वह आएगा तो जिले की खुशहाली लौटेगी। देखिए लगातार .in के धनबाद संपादक डॉक्टर संतोष मानो की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जिस जगह खड़ा हूँ उसे बंदर चूहा माइंस कहते हैं। अबरक की एक खदान, अबरक मतलब माइका की खदान जो अब बंद है। आप देख सकते हैं वहाँ मशीनरी है, ये टूटे फूटे ईंट के खंडर हैं और ये एक माइंस है जिसे अबरक का माइंस करते हैं, माइका। ये है माइका। एक समय था कि झारखंड के दो जिले कोडरमा और गिरिडीह में माइका के सैकड़ों खदान थे। 300 के आसपास खदानें थी और पूरी अर्थव्यवस्था, कोडरमा की अर्थव्यवस्था, गिरिडीह की अर्थव्यवस्था इन माइका खदानों पर निर्भर थी। लाखों लाख लोग इस उद्योग से जुड़े थे, कोई व्यापारी के रूप में, कोई मजदूर के रूप में, कोई बिचौलिए के रूप में, और पूरी उनकी व्यवस्था जीविकोपार्जन इस माइका पर अवस्थित था, निर्भर था। माइका के बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, 7 बड़ी कंपनी थी, क्रिश्चियन माइका कंपनी, CH कंपनी, CD कंपनी, ढेर सारी कंपनियां, गिरिडीह और कोडरमा, हजारीबाग भी कह लीजिए, इस माइका पर निर्भर थी। 1880 के आसपास इस क्षेत्र में, इस एरिया में माइका का खनन प्रारंभ हुआ था और अब लगभग सारी खदानें बंद हो गई हैं। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वह भी एक खदान है, माइंस है, जिसे कहते हैं बंदर चूहा माइंस। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि दिखाएं आप बंद माइंस को। और धीरे धीरे समय बदला, सारी खदानें बंद हो गई, 300 से ज़्यादा खदानें बंद हो गई। लाखों लोगों के पास जीविकोपार्जन, जीने का कोई आधार नहीं बचा। अब आप पूछेंगे कि माइका क्या होता है, इससे क्या बनता है? इससे बहुत कुछ बनता है, रक्षा उपकरण, घरेलू उपकरण, सीसा, बड़े बड़े सीसा जो कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, उसमें इसका प्रयोग होता है। बहुत ही कीमती खनिज। और अब कोडरमा जिले में, गिरिडीह जिले में, हजारीबाग जिले में एक भी माइका खदान नहीं है। लोगों के सामने जीविकोपार्जन की समस्या है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आप पूछ सकते हैं कि ये माइका खदानें क्यों बंद हुई? किसी भी उद्योग की एक आयु होती है। आप कह सकते हैं कि अबरक उद्योग की आयु खत्म हो गई, उसका सब्स्टिट्यूट बन गया। जो विदेशों में निर्यात होता था अबरक, अब मांग कम हो गई है और उसका असर सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुआ है तो कोडरमा जिले पे हुआ है, गिरिडीह जिले पे हुआ है। जो कभी यहाँ के बड़े बड़े सेठ थे, अब व्यापारी भी नहीं बचे, तंगहाली में है। जो मजदूर थे वे मजदूर नहीं रहे, लाखों लोगों का पलायन हो रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ उसे मेघातरी बोलते हैं। बिहार और झारखंड की सीमा पर एक पंचायत जिसका नाम है मेघातरी। और मैं यह जानने आया हूँ कि इस इलाके में अबरक की खदानें थीं, खदानें बंद हो गई, तो वहाँ से गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा खदान बंद होने से। मेरे साथ मेघातरी के शंकर सिंह हैं, ये हमको बताएंगे कि पहले कैसा था मेघातरी, अब क्या है, लोगों के जीवन पर माइका खदानें बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा है। शंकर जी, पहले माइका खदानें चलती थी, हाँ, और अब बंद हो गई, हाँ, तो उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा कि जैसे यहाँ के आदमी सब बे मजदूर है, खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, काम करता है लेकिन पैसा सही से नहीं मिलता है, यही दिक्कत है। तो पहले तो आप लोग
माइका का काम करते होंगे, अबरख चुनते होंगे या माइका खदान में काम करते होंगे, तो अब क्या करते हैं जब खदानें बंद हो गई? ऐसे वो मट्टी जो खदान से निकला हुआ है उसी में कोई थोड़ा बहुत चुनता है, जैसे देखिए वहाँ मट्टी भीगा हुआ है उसमें चुनता है बाल बुजुर्ग। अच्छा, खदानें बंद हो गई लेकिन खदानों के अवशेष हैं, उसमें ये अपने निजी उपकरण से कुदाल के सहारे कुछ कुछ माइका चुन लेते हैं बंद खदानों के बाहर से, और अब भी इनका जीवन उसी माइका पर निर्भर है। तो जब आप माइका चुनने जाते हैं, जिसको शायद गांव की भाषा में ढिबरा कहते हैं, तो ढिबरा चुनने में आपको क्या परेशानी होती है? कोई रोकता है आपको? हाँ, वन विभाग वाला रोकता है। क्या बोलते हैं वो? वो जैसे बोलता है कि बंद करो माइका। अच्छा, तो पैसा वैसा मांगता है आपसे? नहीं, पैसा नहीं मांगता है, लेकिन चुनने नहीं देता है। चुनने के लिए नहीं देता है, और किसी तरह चुनते हैं, जिसके यहाँ बेचते हैं उसको गाड़ी पकड़ लेता है। अच्छा, तो वो भी एगो परेशानी है। माइका की खदानें बंद हो गई और खदानों के बाहर से जो खदान के अवशेष हैं उसमें ग्रामीण अपने निजी उपकरणों के सहारे माइका के छोटे छोटे कण या कहें कि छोटा छोटा टुकड़ा चुनते हैं, उन टुकड़ों को किसी व्यापारी के पास बेच देते हैं और वह व्यापारी उसे संगठित रूप से प्रोसेसिंग के बाद बेचता है। यानी अब भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में माइका का बड़ा हाथ है, लेकिन इन्हें परेशानी होती है। वन विभाग वाले रोकते हैं, कहते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट है और इसी फॉरेस्ट के नाम पर खदानें बंद कर दी गई है। तो ठीक है, सब लोग माइका तो नहीं चुनते होंगे, ढिबरा तो नहीं चुनते होंगे, बाकी लोग क्या करते हैं? सभी लोग चुनते हैं, यहाँ के जितना भी क्षेत्र में है सब वही करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, खदान फिर से शुरू हो? फिर से शुरू होता तो अच्छा था, और जो चल रहा है जिस तरह गाड़ी नहीं पकड़ता तो भी अच्छा था। अच्छा, तो फिर से शुरू हो जाएगा तो क्या परिवर्तन आएगा आप लोग के जीवन में? हम लोग को जैसे बाल बच्चा सब कमाएगा खाएगा आराम से। मतलब खदान बंद से होने से बहुत नुकसान हुआ आप लोगों का? हाँ, बहुत नुकसान है, जीवन पे असर पड़ा। हाँ, रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई। हाँ, तो आप सरकार से, देश की सरकार से, राज्य की सरकार से यह मांग करेंगे कि खदानों को फिर से चालू किया जाए? हाँ, फिर से चालू होता तो अच्छा था। तो आप नरेंद्र मोदी से बोलिएगा, प्रधानमंत्री से, कि हमारी खदानें चालू करवा दीजिए? नरेंद्र मोदी से हमारा पहुँचे वहाँ तक नहीं। तो आप यहाँ बोलिए, वो सुन लेंगे। आप बोलिए, क्या बोलिएगा? मैं इनसे चालू करवा देते तो अच्छा था। बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। वही तो बोलिए रहे हैं कि मैं इनसे चालू अगर हो जाता तो अच्छा था। पर्यावरण के नाम पर कोडरमा जिले में, गिरिडीह जिले में या हजारीबाग जिले में जो भी माइका की 250-300 खदानें थी, लगभग सभी बंद हो गई हैं। लाखों लाख लोग जो माइका पर निर्भर थे, जिनकी रोजी रोटी थी माइका, वे बहुत परेशान हैं, बेहाल हैं। जो उद्योगपति थे उन्होंने दूसरे उद्योग लगा लिए, जो व्यापारी थे उसमें से अधिकतर दूसरे व्यापार में लग गए, लेकिन जो मजदूर थे जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ माइका था, वे बदहाल हैं। उनके समक्ष गरीबी है, खाली पेट है, फटे कपड़े हैं, बच्चों को पढ़ाने और विवाह की समस्या है। अभी भी वे बंद माइका खदानों के बाहर कुछ चुनते हैं, जिसे ढिबरा कहते हैं, उसमें लाख परेशानी आती है, दाम कम मिलते हैं, वन विभाग वाले रोकते हैं। मेरे साथ शंकर सिंह हैं, मेघातरी के रहने वाले। वे प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि पर्यावरण के नाम पर, जंगल के नाम पर जो खदानें बंद कर दी गई उसे फिर से शुरू किया जाए, ताकि इनके मुरझाए जीवन में फिर से हरियाली आए। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।